everyone. I'm Vizia and you are watching ECBC Talk. Welcome back to our channel. Thank you so much, guys. I am so grateful. Thank you so much for all the support. Today, let's discuss about first few things जो हमें pregnancy positive होने के बाद हमें करनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. So without further ado, let's dive into the video. Okay, Z. First thing was congratulations, you guys. Be ready for the roller coaster ride of your life. Of course, in a good way. Okay, just relax. This is the beautiful phase. Enjoy your feeling. Share your feeling with your partner. Just go to your doctor. बहुत लोग क्या करते हैं, हम वेट करते हैं 3 महीने तक या चलो अभी तो पीरियड मिस हुआ है, अभी किट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, अभी क्या डॉक्टर के पास जाना. प्लीज 3 मंथ्स का ड्यूरेशन बहुत लंबा पीरियड होता है, आप इतना वेट मत करो. 1 वीक वेट करो अगर आपको लगता है कि 1 वीक के बाद जाना चाहिए. अगर आपके रेगुलर पीरियड हो रहे और प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव प्रेगनेंसी आई है तो डॉक्टर विजिट करो, वो आपको ब्लड सैंपल लेंगे, आप चेक करेंगे और बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे आप पॉजिटिव हो. उसके बाद आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो. एंड पॉइंट नंबर 2, कोई भी सप्लीमेंट अपनी मर्जी से नहीं लेना है. हम क्या करते हैं, फ्रेंड और फैमिली ने कुछ भी रिकमेंड कर देंगे और हम वो लेने लग जाते हैं. जैसे आप और आपके फ्रेंड एक साथ प्रेग्नेंट हुए हो, या वो ऑलरेडी आपके फ्रेंड प्रेग्नेंट है, या फैमिली मेम्बर है पहले से कोई प्रेग्नेंट है, वो आपको रिकमेंड करेंगे ये अच्छी होती है ये ले लो. पर प्रेगनेंसी में ये नहीं करना है. एवरी प्रेगनेंसी इज यूनिक प्रेगनेंसी. आपके डॉक्टर जो बताएंगे वही सप्लीमेंट्स आपको लेनी है. उसके सिवा कोई भी सप्लीमेंट आपको नहीं लेनी है, कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है. ये पीरियड बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, तो प्लीज बी केयरफुल. एंड पॉइंट नंबर 3, चेंज योर लाइफस्टाइल. मैंने पहले इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है, लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट. सो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है आपको. खाने पीने में ध्यान देना है, अपने आपको हाइड्रेटेड रखना है, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है. हमें फर्स्ट फ्यू मंथ नोजिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, हमें कुछ भी खाने का मन नहीं होता. तो हमें जो जंक दिखा, जो भी कुछ भी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, जंक कुछ भी पैकेज्ड फूड प्रोसेस्ड फूड हम खा लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है. जितना हो सके हेल्दी खाना है, जितना हो सके पानी पीना है, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं और डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से मेडिसिन लीजिए और थोड़ा बहुत जितना हो सके खा लो. पर जंक फूड से बिल्कुल दूर रहो, जंक फूड इज नॉट हेल्दी एट ऑल. जबकि इस टाइम पे बच्चे का ऑर्गन फॉर्मेशन होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नो जंक एट ऑल. अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो आप अपना एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज कर सकते हो. फर्स्ट 3 मंथ्स में भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, हल्के हल्के एक्सरसाइजेज जो आप पहले से करते आ रहे हो वो एक्सरसाइज. हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, पर हल्के हल्के एक्सरसाइजेज आपको करनी है, वो आप कर सकते हो. सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हेल्दी रहना. तो आपको जैसा फील हो रहा है, आपको लेटने का मन हो रहा है तो लेट जाओ, पर दिन भर सो के नहीं रहना है. इनकेस आपके डॉक्टर ने आपको बताया तो वो आप फॉलो कर सकते हो. ये फर्स्ट फ्यू मंथ में आपको रोड ट्रैवल नहीं करनी है. रोड ट्रैवल बहुत ही रिस्की होता है इस टाइम पे. हमारे यहाँ अच्छी रोड नहीं है, तो रोड ट्रैवल बहुत ही रिस्की होता है. आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो, अगर बहुत ज़रूरी है तो ट्रेन में ट्रैवल करो, या बाय एयर ट्रैवल कर सकते हो, पर रोड ट्रैवल आपको अवॉइड करना चाहिए. अपने जो यूजल एक्टिविटीज़ है उसको करते रहो. जैसे आपका डेली रूटीन का काम होता है उसको बंद नहीं करना है. थक गए हो या बहुत ही टायर्ड फील कर रहे हो तो बैठ जाओ, लेट जाओ, पर दिन भर बेड पे नहीं लेटना है. अपने जो आप डेली खाना बनाना, अपने क्लीनिंग करना, अपना योगा एक्सरसाइज जो आप करते हो, आपका ऑफिस जाना, ये सब आप रेगुलर कर सकते हो. पर हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है. जैसे स्टेयर्स में, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स में अप डाउन नहीं करना है फर्स्ट 3 मंथ्स में. और हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, और बहुत ही झुक के काम नहीं कर सकते आप. और उसके बाद
अगर आपका पहले से एक बेबी है जो छोटा है, उसको गोदी चाहिए होती है, तो आप उसको डायरेक्ट नीचे से नहीं उठाना है, जैसे बेड में रखा उसको या चेयर पे रखा और वहाँ से आप उसको उठा सकते हो, उसको गोदी ले सकते हो। इन केस ऑफ एनी ब्लीडिंग और स्पॉटिंग आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको मना करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे, तो ही आप बेड रेस्ट करना है, वो जो बोलेंगे वही फॉलो करना है, बाकी अपना नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटीज आपको रखनी है। नाउ फॉर फादर टू बी, आपको हेल्पलेस फील हो रहा होगा कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर की आप कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हो, पर मोरल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करो, आप उनके साथ बैठो, बातें शेयर करो, आप क्या फील कर रहे हो उनको सुनाओ और उनकी बातें आप सुनो, ये जरूरी है। और हर डॉक्टर विजिट पे आप उनके साथ चलो, विजिट पे आप उनके साथ चलोगे तो आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा, आपके पार्टनर के बारे में पता चलेगा, जैसे आप स्टडी कर सकते हो प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है उसके बारे में स्टडी करो, उनके मूड स्विंग्स के बारे में स्टडी करो। इस टाइम पे आपके लिए भी रोलर कोस्टर राइड जैसा लग रहा होगा, पर मैंने पहले भी बताया बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा होगा, वो आपके पार्टनर कुछ खा नहीं पा रहे, वॉमिटिंग हो रही है, आप क्या करो उनके खाने में कोई भी फोर्स मत करो, पर जंक फूड से उनको थोड़ा दूर रखो, हेल्दी फूड आप उनको बना के दे सकते हो, वैरायटी ऑफ फूड आप ट्राई करा सकते हो। अगर आप इतना कर लोगे तो यू विल बी वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। मैं फादर टू बी के रोल के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। दीज आर द फर्स्ट फ्यू थिंग्स जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद। अगर हम रिकैप करते हैं तो फर्स्ट थिंग है आपको सबसे पहले डॉक्टर विजिट करना है। सेकंड पॉइंट है कोई भी सप्लीमेंट आपको अपने मन से नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर बोलेंगे तभी आपको लेनी है। तीसरी है आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी है, जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स है तो उसको नो बोलना है अभी के लिए। फोर्थ आपको अपने यूजल एक्टिविटीज़ को रखना है, आप कर सकते हो सारे एक्टिविटीज़ अपनी जो आप रेगुलर कर रहे हो वो करना है, पर हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। फोर्थ फादर टू बी का रोल, मेंटली सपोर्ट आप करोगे अपने पार्टनर को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके पास आऊँ। लाइक करिए, अगर आपको आपको क्या कमी नज़र आ रही है नीचे लिख सकते हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और लाइक करिए, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जो प्रेग्नेंट है आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, और जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, नमस्ते।